सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूँ आप लोगों का मैं अपने इस चैनल में, एक टेक वायरल में। और न्यू ईयर गिफ्ट में आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ एक प्लेलिस्ट पूरी सॉकेट्स पे, और जिसमें आपको मैं एक पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा चैट एप्लीकेशन का। आप मेरे साथ कोड भी करो सकते हो, क्योंकि मैं आपको पूरा लाइव कोड भी करके दिखाऊंगा, और साथ में आप लोगों के साथ मैं पूरा कंसेप्ट भी रिजॉल्व करूंगा कि सॉकेट आई एक्चुअली क्या है, कैसे काम कर रहा है, और पूरा इसमें डिपेंडेबल। बट उससे पहले गाइस, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, ठीक है। और साथ ही यार मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, आपको मिल जाएगा मेरा URL, ठीक है यार, साथ में जो मेरा इंस्टा नेम है हैंडल, ठीक है। एंड गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, सीरीज चालू होने से, प्लेलिस्ट चालू होने से पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट आपको जाननी चाहिए। नोडजेस आना चाहिए, मैं मानता हूँ, और आपको चाहिए रिएक्ट जेस। मैं फ्रंट में रिएक्ट यूज़ करूँगा और बैक एंड में नोड जेस यूज़ करूँगा। इसके अलावा सॉकेट आयो का सारा मैं बताऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। बट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप प्लेलिस्ट चालू कर रहे हो, नोड और जेएस और रिएक्ट जेएस थोड़ा बहुत आना चाहिए, आप एफिशिएंसली अंडरस्टैंड कर सकें मेरे कोड को। एक्चुअली मैं उस कोड में लिख के आ रहा हूँ, तो आपको आसानी होगी। सॉकेट आयो का मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरे साथ बने रहना, आपको मैं सारा सॉकेट आयो का सिखाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सॉकेट आयो की, सॉकेट आयो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। और हमें बैकएंड में नोड जेएस सर्वर यूज़ करेंगे, जो मैं आपको बोला, वो उसका क्या काम है। मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्वर है नोड जेएस, ठीक है, नोड का सर्वर बना रखा है मैंने, और फ्रंट एंड में मेरे पास रिएक्ट है। तो मतलब मेरे पास रिएक्ट के क्लाइंट्स होंगे कितने मर्जी। तो मान लीजिए मेरे पास तीन क्लाइंट हैं, फर्स्ट सेकंड, ये वन, ये टू और ये थ्री। ये मेरे पास तीन क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास एक सर्वर है पीछे बैकएंड, ठीक है। और मैं चैट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुना, सॉकेट्स डॉट आईओ चैट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बंदे ने मैसेज भेजा यहाँ पे सर्वर को, और बात करनी है कि इस बंदे ने मैसेज जो भेजा वो इसको भी आए, इसको भी आए, और वो डिपेंड करता कि इसका मैसेज इसे शो करवाना ही करवाना है, ठीक है। इसने मैसेज भेजा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिए, तो हमारे में भी उसमें दिखता है ना कि हमने ग्रुप में मैसेज किया है, तो ये मैसेज मुझे भी दिख रहा है और इसको भी दिख रहा है। हाँ, तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। तो इस बंदे ने भेजा मैसेज, एम से मैसेज, तो नोड का सर्वर ये पड़ा, तो अब कौन काम करेगा। सर्वर तो नहीं कुछ कर, सर्वर के बीच में क्या यूज़ करेंगे, सॉकेट आयो। सॉकेट आयो एक मान लीजिए बॉक्स टाइप कुछ ऐसा मैं बना देता हूँ, यहाँ पे एक सॉकेट आयो होगा जिसके पास मैसेज आएगा। वो एक इमिटिंग फंक्शंस होते हैं उसके, सॉकेट आयो के पास एक पाइपलाइन समझ लीजिए बड़ी सारी, ठीक है। जितने यूजर्स हैं सर्वर उनको एक एक पाइपलाइन प्रोवाइड कर देते हैं, और हर पाइपलाइन पे क्या होता है, एक सुनने वाला ईयर जिसे आप सुन सकते हैं, और एक माउथ जिसे आप बोल सकते हो कुछ, ठीक है। और सर्वर भी वही काम कर रहा होता है, एक सुन रहा होता है और एक आपके भी बोल रहा होता है। जैसे इस बंदे ने कुछ बोला, हेलो गाइस ऐसे कुछ बोला, सर्वर ने सुन लिया, यहाँ से हियर किया, उसने रिवर्ट बैक करना है जो हमने फंक्शंस लिखे होंगे, जो हमने प्रमिसिबल्स लिखे होंगे कि किस किस को जाना चाहिए मैसेज, जो ग्रुप में होंगे ऐड उनको ही सिर्फ। तो उनको क्या किया करेगा, ये भेज देगा पाइपलाइन के थ्रू। पहले पाइपलाइन के थ्रू इसके पास आया सर्वर ने, सर्वर ने सबको वही पाइपलाइन के थ्रू वापस भेज दिया। और अब जिसने भेजा था दूसरे एंड पे, सर्वर ने हियर किया, सर्वर ने जब भेजा वापस, तो वो दूसरे एंड पे जितने भी यहाँ पे टनल्स खत्म होंगे, यहाँ पे सुनने के लिए बैठे होंगे, जो फंक्शंस को उनका काम है सिर्फ वो फंक्शन को सुनना, कि जब वो कॉल करे भाई मैसेज भेज रहा हूँ, बात खत्म, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, उन्होंने सुनना है। तो इन तीनों के पास जब मैसेज पहुंचने वाला फंक्शन होगा वो सुनेगा, जब भी वो मैसेज पिंक करेगा कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ चुका हूँ, तो जस्ट इन्हें वो से उसे पिकअप करना और यहाँ प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसकी स्क्रीन पर ये था, वन की स्क्रीन पर, यूजर टू की स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, ये वन है, ये यूजर टू है, और यहाँ पे सर्वर पड़ा है। और पाइपलाइन की बात करता हूँ, ये दो पाइपलाइन बना दी मैंने, ठीक है, जैसे मैं सॉकेट आयो समझा रहा हूँ आपको, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल सॉकेट आयो को सिंपल, कि सिंपल क्या होगा, सॉकेट कनेक्ट हो गए, जैसे इसने कुछ यहाँ से मैसेज भेजा, वो मैसेज गया, सर्वर ने उसको सुना ध्यान से, सर्वर ने पाइपलाइन में दोबारा भेज दिया, दोनों पाइपलाइन में। अब एक टाइम पे मिट कर देता वो सबको, वो आपको फंक्शंस होंगे, मैं बताऊंगा ब्रॉडकास्ट क्या होता है, अमिट क्या होता है, वो फंक्शंस होते हैं जो मैं आपको तरह तरह के बताऊंगा कि वो काम कैसे करेंगे। तो इसने भेजा, तो इधर भी एक सुनने वाला बैठा होता है। मैंने आपको बताया कि पाइपलाइन के एंड में दो ही बंदे होते हैं सिर्फ, मान लीजिए आप, एक सुनने वाला और एक भेजने वाला, एक बोलने वाला, हेलो, एक सुनने वाला होगा। तो इसने सुना, इसका काम है सिर्फ सुनना, इसने बताया कि हाँ भाई नया मैसेज आया, तुम्हारा काम है सुनना नए मैसेज वाला, ये सिर्फ नए मैसेज सुनेगा, इसने सुना और प्रिंट करवा देना स्क्रीन पर। इधर भी मैसेज आया, इसने सुना, प्रिंट करवा देना स्क्रीन पे, तो दोनों के पास एक ही मैसेज एक टाइम पे रिसीव हो जाएगा। तो ये रहा सिर्फ इसका काम, फ्रंट में इसलिए मैंने रिएक्ट यूज किया, बैक एंड में मैंने यूज किया नोड जेएस का, ठीक है। और ये रहा जो पाइपलाइन का बचा काम, ये सॉकेट आयो से कर रहा हूं मैं सारा काम,
इस सिर्फ सॉकेट आयो से कंप्लीट कर रहा हूँ मैं काम। यही काम मैंने आपको बताया था ना कि सॉकेट आयो का क्या काम है, वो यही काम है। हमें सॉकेट आयो सिर्फ एक पाइपलाइन बना रहे हैं, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ हिंदी की, सॉकेट आयो से हम एक पाइपलाइन बना रहे हैं, वो पाइपलाइन से हम काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, समझ गए ना मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो ये रहा सॉकेट आयो का। और अगर सॉकेट आयो के सिंटैक्स की बात करें, सिंपल सिंटैक्स है बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का, वो जैसे हम कोड करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सॉकेट आयो का क्या लेखा जोखा है पूरा। ठीक है, और जितना आगे भी थ्योरी होगा वो भी मैं कवर कर दूंगा, बट ये एक बार आप फिलहाल समझ सकते हो। दोबारा से नोड जैसा सर्वर होगा, उसके अंदर सॉकेट आयो होगा, तीन बंदे, एक बंदे ने भेजा है तो टनल टाइप समझ लिए, उसमें सिर्फ दो बंदे होंगे जो एक मैसेज भेज रहे हैं और दूसरा सुन रहे हैं। उसका काम भेजने वाले ने भेज दिया तो सर्वर ने सुना, सर्वर ने तीनों को अपने, हम जो कोड लिखेंगे उस पर डिपेंड करेगा, वो तीनों को उसी ग्रुप में भेज देगा, किस किस को भेजना वो भी हमारे पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो ये चैट एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया आपको कैसे काम करता है, बेसिकली कैसे काम करता है। अगर टेक्निकली और गाई में जाना है तो बहुत कुछ है इसमें, वो भी हम कवर करेंगे, साथ साथ कवर करेंगे बट। ठीक है, तब बात करता हूँ कि हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा। स्ट्रक्चर सिंपल है, देख सकते हो गाइस, बैकएंड में खाली पड़ा भी बैकएंड में नोड जेस यूज करेंगे, और सर्वर जो सर्वर तो नोड जेस का, क्लाइंट साइड जो होगी ना वो रिएक्ट की है। मैंने रिएक्ट पहले इंस्टॉल कर लिया, सिर्फ रिएक्ट इंस्टॉल करने का सिंपल, आपको मालूम ही होगा रिएक्ट इंस्टॉल करने का क्या तरीका रहता है। ठीक है ना, कोई भी आप रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप रिएक्ट इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपल कमांड लिखनी होती है, एन पी एक्स क्रिएट क्रिएट रिएक्ट ऐप, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, चैट ऐप। ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट फास्ट लिखने में दिक्कत दे देता हूँ मैं कभी बार, और यही एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है ना, बस तो ये रहा आपका रिएक्ट ऐप क्रिएट करने का, और बाकी बैकएंड जो मैं बनाने की बात कर रहा हूँ, बैकएंड का हम स्टार्ट करते हैं साथ साथ, आई पी पूरा सेट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, तो ये गेम बैक रखा है मैंने, फोल्डर का नाम। ठीक है, तो इसमें आना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सी डी बैकएंड में जाना, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एम पी एम अनिट, एन पी एम अनिट कर देना बस, बैकएंड वर्जन, डिस्क्रिप्शन छोड़िए, एंट्री पॉइंट छोड़िए, टेस्ट कमांड छोड़िए, गेट रिपोजिटरी कीवर्ड छोड़िए, ऑथर रहेगा मेरा नाम कुणाल गर्ग है, तो मैं कुणाल गर्ग लिखूंगा, आपको पूरा कोड गेटअप पे भी मिल जाएगा साथ साथ। यस ओके, तो उसके बाद मैं करूँगा एन पी एम इंस्टॉल। अब बात करूँगा मैं एन पी एम इंस्टॉल की, तो एन पी एम जो भी इंस्टॉल करना है ना गाइज, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब एन पी एम इंस्टॉल करेंगे ना तो आपको दो चीज़ें और पता होनी चाहिए साथ में, क्या कि हम सॉकेट आयो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हाँ ना, और क्या क्या इंस्टॉल करेंगे, कोर्स, कोर्स भी इंस्टॉल करेंगे। अब कोर्स का क्या है यार, मतलब कोर्स क्यों इंस्टॉल करना पड़ रहा है, अब आपने सोचा है कोर्स क्यों इंस्टॉल करना पड़ना है। अब देखिए, एनपीएम इंस्टॉल कोर्स इसलिए इंस्टॉल करना पड़ना है क्योंकि जब हमारा रिएक्ट फ्रंट एंड ना वो लोकलोस 3000 पे चलेगा, मान लीजिए 3000 पे, और बैकएंड जो हमारा नोड जैसा सर्वर वो 3000 पे नहीं चलेगा, कोई और चलेगा, तो दोनों के जो पोर्ट सेम करने के लिए हम कोर्स यूज करेंगे। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो इस बार मैं लिखूंगा एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस सॉकेट डॉट आयो डॉट आयो और कोर्स, ये बस इतना इतना करना आपको इसमें, इतना बस। ठीक है, और फिर आप बीच में आ जाइए और बैकएंड में एक फाइल बना लीजिए जिसका नाम रखिए आप सर्वर, सॉरी माफ करना, ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ बैकएंड में एक फाइल बना लीजिए सर्वर डॉट जे एस। तो ये फाइल होगी जो स्टार्ट करेगी जैसे इंस्टॉल हो जाए, हाँ इधर इंस्टॉल हो चुका है, अब इधर हम बाद में देखेंगे। अब बाकी का कोड अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, मैं अगली वीडियो में कोड स्टार्ट करूंगा। मैंने अब इस वीडियो में सेटअप बता दिया आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक्सप्रेस चाहिए, आपको सॉकेट डॉट आई चाहिए बैकएंड में, और कोर्स चाहिए बस, और क्लाइंट साइड में आप रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। पी रिक्वेस्ट में आपको बता दिया गाइस, फिर से आपको बता रहा हूँ, पी रिक्वेस्ट में रिएक्ट जस्ट चाहिए, फ्रंट एंड में आपको आना चाहिए, बैकएंड में नोड जस्ट आना चाहिए, बाकी मुझ पर छोड़ देना, सॉकेट में थ्री बता दूंगा, आप दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और यार मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो प्लीज़, अगर आपको टेक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे मिल सकते हो, यहाँ पे कमेंट बॉक्स तो खुला ही, आपको अभी कुछ कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।